अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मदीहा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, टिंग टिंग टिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी बिरयानी। हमें चाहिए होगा इसके लिए, ये मेरे पास 1.5 कप मैंने घी डाल लिया था पैन में, नॉन स्टिक की कढ़ाई थी उसमें 1.5 कप घी का डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं 6 से 7 प्याज मैंने स्लाइस कर लिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स, और इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए अब इस तरह से गोल्डन ब्राउन जब इसका कलर हो गया, देन इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक, दोनों का पेस्ट मैंने शामिल किया है। इसको मिक्स करूँगी और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी अच्छा सा, जब ये 1-2 मिनट के लिए भुन जाएगा देन इसमें मैं ऐड कर दूँगी। साथ ही मेरे पास 0.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था ये चिकन, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप यही सेम चीज़ मटन में, बीफ में बना सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सिर्फ चिकन में ही बनाएं। ये देखें इसको अच्छा सा मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक चिकन का कलर वाइट हो जाएगा। फ्राई करने का मतलब यही होता है कि आप इसे फ्राई करें ताकि चिकन ये है कि टूटता नहीं है, और दूसरा ये है कि ये अच्छा सा उसमें पक जाता है। ये देखें अब इसका कलर वाइट हो गया था, देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 6 से 7 मैंने टमाटर कट कर लिए थे, मेरे पास ये फ्रीज हुए हुए थे और उसको मैंने पील ऑफ करके उसका छिलका, और देन उसको मैंने कट करके और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको अब मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, और इसको फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद देन फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये शान का बिरयानी मसाला है, ये सिंपल बिरयानी मसाला है, कोई बॉम्बे बिरयानी या हैदराबादी बिरयानी कोई ऐसा एच नहीं था, सिर्फ सिंपल बिरयानी मसाला था, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें ऐड कर रही हूँ 3 डोंगे के चम्मच दही के, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी का। देन इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून सॉल्ट, नमक, और इसके बाद 1 टीस्पून भर कर लाल मिर्च का, और इसको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। मैंने अभी तक कोई पानी यूज़ नहीं किया, दही भी अपना पानी छोड़ेगी और इसके बाद टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं, अभी तक मैंने इसमें पानी का 1 ड्रॉप भी यूज़ नहीं किया। अच्छा सा इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और तब तक स्लो फ्लेम पर पकाऊँगी जब तक चिकन गल जाएगा और मसाला भी अच्छे से गल जाएगा। देन जब हो गया था, ये वीडियो थोड़ी स्किप हो गई थी यहाँ से, जब ये गल गया घी ऊपर आ गया, मैंने इसमें ऐड कर दिया था 6 आलू बुखारे और मैंने थोड़ी सी बिल्कुल इमली इस्तेमाल की थी वो इसमें डाल दी थी, 1-2 मिनट के लिए मैंने उसे भुना था, और उसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गर्म मसाला पिसा हुआ जो था उसका इसमें शामिल कर दिया, मैंने उसको मिक्स नहीं किया था। ये मैं तब मिक्स करूँगी जब मैं चावलों की लेयर दूँगी, और इसको मैंने ऐसे ही कवर कर दिया था फिर, और देन मैंने चावल बॉईल करने का सारा प्रोसीजर मैंने अपनी जो मैंने बनाई थी पहले ज़ाफ़रानी बिरयानी उसमें A to Z मैं पहले सिखा चुकी हूँ कि आपने चावल को कितना कनी का बॉईल करना है और उसको बॉईल करते वक्त आपने क्या क्या डालना है, सेम वही आप लोग फॉलो कीजिएगा। देन ये जो कोरमा हम लोगों ने भी बनाया था उसका मैंने ऊपर से ऑयल लेके, और अब लेयर्स का टाइम था तो मैंने देखचे में सबसे पहले उसी का ही ऑयल बीच में डाल दिया था, अच्छा से इसको फैला लिया था ताकि कहीं से चावल लगे ना। इसके नीचे मैंने तवा रख दिया था, ऊपर मैंने देगचा रखा था, ये देखे चावल इस तरह से खिला खिला सा ये बॉईल हुआ है, और ये आप जाके चेक कर लीजिएगा उस ज़ाफ़रानी बिरयानी में A to Z आपको समझ आ जाएगी कि चावल किस तरह बॉईल करना है और कितना बॉईल करना है, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि अगर आपका चावल अच्छा सा बॉईल हुआ होगा तो तभी आपकी बिरयानी खिली खिली बनेगी, नहीं तो बहुत जुड़ के बनेगी तो वो अच्छी भी नहीं लगती, और वो नरम चावल तो बिरयानी में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। इसको इस तरह से अब मैंने फैला लिया, देन इस पर अब मैं सारा ही वो कोरमा मसाला डालूँगी। ये 1 किलो मेरे पास चावल थे
और एक ही लेयर मैं दूंगी, मैं इसकी दो लेयर्स मिसाले की नहीं दूंगी। ये देखें, अब सारा मिसाला मैंने इसमें डाल दिया। फिर इसको मैं चम्मच से अच्छा सा हर तरफ फैला दूंगी। ये देखें, इसको अच्छा सा सारी जगह पे फैला दें। ये आपको अब इमली का नज़र आ रहा होगा, ये इमली भी मैंने बताई है इसमें ऐड की थी। इसमें अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, और ये मेरे पास है ड्राई पुदीना। ये जो आपको थोड़ा डार्क कलर नज़र आ रहा है, ये ड्राई पुदीना था मेरे पास, और हरी मिर्चें थी। धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना कट करके अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ मिसाले के ऊपर। देन इसमें मैं ये स्लाइस किए हुए लेमन इस पर रख रही हूँ। लीमू इस तरह से स्लाइस करके आप रखें, और ये 1 टीस्पून मैं इस पे वही बिरयानी मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका फ्लेवर बहुत चेंज हो जाता है। देन सेकेंड लेयर इसकी चावलों की दे रही हूँ। ये इस तरह से चावल फैला देने के बाद फिर वही सेम प्रोसीजर, लेमन डालूँगी इस पे, बिरयानी मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस टाइम मैंने 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला सेकेंड लेयर पे किया था, क्योंकि फाइनल लेयर थी। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वो मैंने स्प्रिंकल कर दी। देन ये 7 to 8 टेबल स्पून दूध के थे, इसको मैं ऊपर सारा इस तरह फैला दूंगी। और ये हाफ लेमन को अच्छा सा मैं इस पे निचोड़ लूंगी और हर जगह पे इसे फैला लूंगी अच्छे से। और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये मेरे पास है केवड़ा। ये मैं इस पे केवड़ा एसेंस, ये देखें, थोड़ा सा मैंने लिया था सिर्फ उसकी लेड में ही, और वही मैंने उसके ऊपर डाला था। और फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास है जलेबी रंग। आप जर्दे का रंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जर्दे का रंग मुझे नहीं लगता इसमें इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हमें देगी बिरयानी में एक बहुत शार्प सा डार्क सा कलर नज़र आता है चावलों का। थोड़े थोड़े से जो चावल होते हैं बहुत डार्क येलोइश रेडिश कलर के होते हैं, तो वो यही कलर होता है। लाइट होने से देगी जो मिसाला हमने बनाया था वो, और उसके बाद जो वाइट टोन होगी वो चावल जो होंगे। देखें, एक साइड पर मैंने सारे वाइट ही रखे थे। फ्राइज़ को मैंने इस तरह कट करके ज़रदा रंग डाल के और इसे मैंने फ्राई कर लिया था, वो स्टीम में दे दिया था। देन ये देखें, मैंने 20 to 25 मिनट्स इसे स्टीम दिया था, और उसके बाद ये जब स्टीम हो गया था, ये देखें, अब चावल स्टीम होने के बाद भी कोई चावल जुड़ा हुआ नहीं है, सारा बहुत अच्छा खिला हुआ चावल बना है। सबसे मेन चीज़ होती ही वही है कि जब आप चावल बॉईल करते हैं, वहाँ पे अगर आपने एहतियात नहीं की तो आपका चावल डेफिनेटली ख़राब होगा। अगर आपने एहतियात कर ली, उन सब रूल्स को फॉलो कर लिया, तो आपका चावल बहुत अच्छा बनेगा। एकदम से चम्मच ना हिलाया करें कि जब बिरयानी का ढक्कन खोला और इसको आपने सारा चम्मच चलाएंगे तो वो उस टाइम तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि वो गर्म चावल होता है तो वो टूटता है। फिर इस तरह आहिस्ता से और स्लो चम्मच चलाएं और आराम से एक एक साइड से निकालें। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है सारी चावल किस तरह से हर हर दाना इसका खिला हुआ बना है, और ये बहुत टेस्टी बनी थी। इसे ट्राई कीजिएगा, मुझे दीजिएगा अपना फीडबैक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।